तो गाइस कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से अभिषेक बच्चन की हाल फिलहाल रिलीज हुई मच अवेटेड फिल्म दसवीं को लेकर बात करेंगे आज इस वीडियो में। वेल, आपको पता ही होगा दसवीं एक सोशल ड्रामा फिल्म है, कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो कि कहीं ना कहीं आपको एक सोशल मोटिव देके जाती है एजुकेशन को लेकर, कि एजुकेशन जरूरी है हर किसी की लाइफ में। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आपको कौन सा करेक्टर बेस्ट लगा इस फिल्म में, आपकी राय क्या है कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो, अभिषेक बच्चन का, निमृत कौर का या फिर यामी गौतम का। अगर बात करूँ मैं फिल्म को लेकर, तो फिल्म में तीनों ही करेक्टर काफ़ी अच्छे और मज़ेदार हैं और फिल्म को हर तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर बात की जाए कलेक्शन को लेकर, तो आपको बता दूँ फिल्म को रिलीज़ हुए आज तकरीबन 34 दिन पूरे हो चले हैं, या फिर ये कहूँ 34वां दिन चल रहा है। वेल, जो कलेक्शन आ रहा है फिल्म का आज का, कल के कंपैरिजन में 10% तक का ड्रॉप आ रहा है और ये फिल्म कमा रही है तकरीबन 40 लाख के आसपास। इसी के साथ जो कलेक्शन हो चुका है फिल्म का बीते कुछ 34 दिनों के अंदर अंदर, वो हो चुका है तकरीबन 132 करोड़ 80 लाख प्लस। यानी कि इस फिल्म ने ऑलरेडी जो बजट है वो बहुत पहले ही रिकवर कर लिया था, जहाँ पर इसका बजट था महज 30 करोड़ रुपये बस। बोले तो गाइज ये तो आप कह सकते हो बहुत ही छोटी बात थी फिल्म के लिए इतना बजट रिकवर करना। वेल, आपकी फिल्म को लेकर क्या ओपिनियन है, आपने फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी, अच्छी या बेकार, कमेंट में आप राय मेंशन कर सकते हो। और वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।